फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने करी है थोड़ी सी करवा चौथ की तैयारी, क्योंकि कल है करवा चौथ। और वही मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कुछ ऑनलाइन करी है, कुछ ऑफलाइन करी है, तो वही मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो करवा चौथ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई नई साड़ी ही खरीदती हूँ पहनने के लिए। जो भी मेरे पास पुरानी साड़ियाँ हैं, मैं उसमें से पहन लेती हूँ, क्योंकि पूरे साल तो हम लोग कुछ ना कुछ खरीदते ही रहते हैं, शॉपिंग करते ही रहते हैं। तो आज जो मैंने साड़ी निकाली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरी जयपुरी साड़ी है ये लास्ट टू लास्ट ईयर जब हम लोग राजस्थान गए थे घूमने के लिए, तब मैं वहाँ से लेके आई थी। और बहुत ही प्यारी लगती है ये साड़ी। मैं आपको दिखाती हूँ इसका पल्ला। ये इसका पल्ला है यहाँ से। ऑल ओवर ये ऐसी ही है, बीच में बॉर्डर भी इसका पिंक कलर का ही है और बीच में से ये येलो है। तो ये पल्ले से ना कुछ इस तरीके से आएगी। और मुझे बहुत पसंद है ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है और पहनने में बहुत अच्छी लगती है, हैवी लुक देती है। तो ये मैं कल पहनूंगी। और इसके साथ में मैं पहनूंगी ये चूड़ियाँ, ये मैं अभी लेके आई हूँ नई इसके साथ में। तो ये दोनों हाथों की चूड़ियाँ हैं और बिंदी जो भी इसमें मैच करेगी वो ले आऊँगी, वो ले पहनूँगी। और ये ली है मैंने छोटी छोटी सी झुमकियाँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। आर्टिफिशियल हैं ये, बट कभी कभी ना लोकल मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है हम लोगों को। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो ये साड़ी पे तो झुमकी ही अच्छी लगती है मुझे, तो मैं कल ये वाली डालने वाली हूँ इस साड़ी पे। और ये मैंने निकाली है पायल, क्योंकि वैसे तो मैं नहीं पहनती पायल रोज़ में, लेकिन फंक्शंस में त्योहारों पे तो डाल लेती हूँ। तो ये मैंने निकाली है पहनने के लिए अपनी पायल। और बिछुए मैं प्लेन ही डालती हूँ, तो इस बार भी मैं लाऊँगी, अभी मुझे जाना है मार्केट, तो मैं प्लेन ही बिछुए लेके आऊँगी, अपने भी लाऊँगी और भाभी के लिए भी लेके आने हैं, क्योंकि उसको मैं देती हूँ ये सब श्रृंगार का सामान, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ। एक उसके लिए लाई हूँ मैं ये सेट गले का, ये आर्टिफिशियल ही है और साड़ी पे सूट पे आप कहीं भी डाल सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। तो ये जब मैं अपना सामान लेने गई थी तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसके लिए ले लिया। और उसके लिए ली है लिपस्टिक और एक मेहंदी की कोन, एक नेल पॉलिश, और यही सब बेसिक सा सामान जो लेते हैं वो लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी की, मतलब मेरी सासू माँ की जो साड़ी मैं उनको दूंगी, ये है उनकी साड़ी जो मैं लेके आई हूँ, उन्हीं की पसंद से मैं लेके आती हूँ, हम दोनों साथ में जाके मार्केट ले आते हैं। तो ये लेके आई हूँ और उसके साथ में उनकी चूड़ियाँ, क्योंकि वो प्लेन चूड़ियाँ ही डालती हैं ज़्यादातर, तो मैं ये वाली चूड़ियाँ लेके आई हूँ उनके लिए। और बिंदी का पत्ता उनके लिए, वो ज़्यादा ऐसा कुछ मतलब लिपस्टिक वगैरह तो नहीं लगाती, बट मैं नेल पॉलिश ले आई उनके लिए। और एक मेहंदी की कोन है, ये भी लेके आई हूँ, बट वो लगाती नहीं है मेहंदी, मैं ही उनको थोड़े बहुत उनके हाथ पे फूल पत्ते बना देती हूँ कभी कभी, नहीं तो वो बाज़ार में नहीं जाती लगवाने के लिए। और मेरी मेहंदी मैं आज शाम को लगवाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत शौक है मेहंदी लगवाने का, मैं खूब भर भर के हाथ लगवाती हूँ अपने, तो मैं वो रात को लगवाऊंगी, जब मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं लगवा के आऊँगी। तो आपको मैं कल दिखाऊंगी कि मैंने कैसी मेहंदी लगवाई। और एक स्पेशली करवा चौथ के लिए मैंने एक सूट भी बनवाया था, ये इस तरह का, ये मैंने कस्टमाइज़ कराया है एक्चुअली। ये कपड़ा था वाइट कलर में था ये कपड़ा, इसको मैंने डाई भी कराया है
और ये मैं आपको बताऊं कि जॉर्जेट फैब्रिक है इसका, और इसके ऊपर ये गोटा पत्ती का वर्क है, आप देख सकते हो बहुत सुंदर सूट है ये, पूरा भरा हुआ जाल है इसमें। और इसको फिर मैंने पीछे की तरफ भी इसी से मिलता जुलता ये इस तरह का फैब्रिक लिया था, और उसको मैंने पीछे इसमें अटैच कराया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह का सूट आएगा ये कुछ, और पीछे से ये है। तो ये कलर मैंने, क्योंकि आजकल ये फालसा कलर बहुत ट्रेंड में है, तो मैंने ये वाला इसमें कलर कराया, और मेरे पास ये इस कलर का कोई सूट भी नहीं था, तो मैंने यही करा लिया। और ये इसकी स्लीव्स हैं, और इसके साथ में मैंने साटन का ये बनवाया है प्लाजो, इसको भी मैंने साटन, वाइट साटन लेके, और उसको मैंने कस्टमाइज़ कराया, कलर करा लिया, तो ये मैंने इसके साथ में। तो अब क्योंकि फेस्टिवल्स हैं काफ़ी सारे और शादियां वगैरह भी हैं, तो उसमें वो काम आ जाएगा। और इसके साथ में मैंने लिया है ये एक दुपट्टा, ये भी ऑफ वाइट कलर में है, और पूरा पूरा भरा हुआ है, देखिए बहुत प्यारा दुपट्टा लगा मुझे ये। और ये दुपट्टा मैंने इसके साथ ही लिया था, बट ये दुपट्टा ऐसा है कि आपके ये सभी किसी भी सूट पे, डार्क कलर के सूट पे इजीली चल जाएगा, और बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही सुंदर है ये, मतलब बहुत ही ग्रेसी लुक देने वाला है, बहुत सुंदर है। और इसमें पूरे में वर्क है, कहीं जरी का वर्क है और कहीं सितारे का वर्क है, आप देख सकते हो इसमें, देखना हाँ यहाँ से देखिएगा, देखिए बहुत सुंदर वर्क है इस पे, और चारों तरफ इसमें पाइपिंग भी लगी हुई है चारों तरफ। तो ये इसके ऊपर देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा एक बहुत ही यूनिक सा एक ड्रेस बन के तैयार हो गया। तो ये मैं कहीं ना कहीं फेस्टिवल पे अब आने वाले त्योहारों पे पहन ही लूँगी, तो तब आपको दिखाऊंगी कि पहनने के बाद कैसा लगता है। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, और अभी मैं करूँगी थोड़ा सा अपना फेशियल, और ऐसी चीज़ों से करूँगी जो कि घर में मिल जाएंगी, तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और शाम को लगवाऊँगी मेहंदी, तो वो मैं कल आपके साथ में शेयर करूँगी। तो जब मैं अपना फेशियल वाला वीडियो बनाऊँगी तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी ज़रूर। और उस फेशियल को आप, जैसे कल करवा चौथ है और आज आप करोगे, तो कल आपके फेस पे बहुत ग्लो आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कॉस्मेटिक्स चीज़ों से ही अपना फेशियल करें तो तभी हमें ग्लो मिलता है फेस पे, ऐसा कुछ नहीं है। हम नेचुरल चीज़ों से भी अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से उसको चमका सकते हैं, जैसा कि हमें चाहिए करवा चौथ पे। सब चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें, तो मैं आपको बताती हूँ एक बढ़िया सा फेशियल। तो चलिए करते हैं तैयारी, मिलते हैं। आज जो मैं आपको फेशियल बताने वाली हूँ, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा जेल। तो हम ये नेचुरल एलोवेरा लेंगे, इसी का जेल हम यूज़ करेंगे। तो मैंने इसके चार पीस करके रख लिए हैं, और सबसे पहले मैंने कटोरी में ले लिया है कच्चा दूध, और एक पीस को मैं एलोवेरा जेल के एक पीस को उठा के एलोवेरा के और ऐसे स्क्रैप आउट कर लूँगी चक्कू की हेल्प से, और इसको दूध में डिप करके मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। ये होगा हमारा सबसे अच्छा और सबसे पहला स्टेप क्लींजर का। तो हम अपने फेस को पहले कर लेंगे क्लीन, तो उसके लिए क्लींजर है ये, क्योंकि फेशियल जब भी हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना फेस क्लीन करना पड़ता है, जो भी हमारी फेस पे डस्ट होगी वो साफ हो जानी चाहिए, तभी फेशियल का इफेक्ट होगा। तो आप कच्चा दूध हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर कच्चा दूध ना हो आपके पास में तो आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हो। और इसको बार बार डीप करके इस एलोवेरा के टुकड़े को दूध में, और आप पूरे फेस पे रब कर लीजिए, और गर्दन पे भी ज़रूर कीजिएगा। आप कोई भी स्टेप
करें उसको गर्दन पे भी इवनली स्टेप आउट करें, जैसे आप अपने फेस पे करते हैं इसी तरीके से। हमें अपनी गर्दन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो देखिए मैंने खूब अच्छे से कर लिया, ये कम से कम 3 से 4 मिनट हमें करना है। फिर हमने फेस वॉश कर लिया मैंने अपना। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है स्क्रबिंग का। तो ये दूसरा टुकड़ा मैंने लेके स्क्रब आउट करके रख लिया है और अब इसके लिए बनाते हैं स्क्रब। तो मैंने एक बाउल में ले लिया है 1/2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 चम्मच ही चीनी शुगर और इसमें मैं डालूँगी 1/2 नींबू। अगर आपको नींबू सूट नहीं करता आपकी स्किन को तो आप यहाँ पे इसकी जगह पे शहद भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा स्क्रबिंग का काम करेगा आपकी स्किन पे। और इसको भी हम इसके मैंने बीज निकाल दिए थे, इसमें बीज चले गए थे। तो ये जो टुकड़ा मैंने एलोवेरा का स्क्रब आउट किया था वो मैं इसके अंदर डिप करके और अपने पूरे फेस पे करूँगी स्क्रबिंग इससे। तो इसको बार बार डिप करते रहेंगे और पूरे फेस पे अच्छे से इसकी स्क्रबिंग कर लेंगे, क्योंकि जो ग्रैनुअल्स होते हैं कॉफ़ी के अंदर और शुगर के, वो जब तक मेल्ट हो जाएं, शुगर के ग्रैनुअल्स मेल्ट हो जाने चाहिए, आप तब तक इसको स्क्रब करें। और कॉफ़ी एक हमारे फेस पे ग्लो लाने के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट होती है। कॉफ़ी से एकदम इंस्टेंट ग्लो आता है फेस पे। और नींबू हमने इसमें ऐड किया है, तो नींबू जो है आप जानते हो कि नेचुरल ब्लीच का काम करता है। तो इसको इस स्टेप को हम 5 मिनट करेंगे कम से कम। और जहाँ जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स ज़्यादा हो, वाइट हेड्स हो, वहाँ पे आप इसको अच्छे से रब करें। और मुझे 5 मिनट हो गए हैं, इसके बाद में मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ। तो आप देख सकते हो थर्ड स्टेप के लिए बनाते हैं हम। तो यहाँ मैंने एक बाउल में इसका एलोवेरा जेल, एलोवेरा से ही जेल निकाल लिया है चक्कू की हेल्प से और चम्मच की हेल्प से। तो इसको एक बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि हमें बनानी है अब क्रीम मसाज के लिए। तो इससे आराम से निकाल लेंगे। वैसे तो काफ़ी चिपचिपा होता है ये, बहुत प्रॉब्लम होता है निकलने में, लेकिन ये है कि इसके अंदर फ़ायदे इतने हैं कि ये सब हम लोग भूल जाते हैं, इन सब चीज़ों को, ये सेकेंडरी हो जाती है। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी 1/2 चम्मच के करीब शहद और इसमें मैं डालूँगी 1/2 चम्मच के आसपास ही बादाम का तेल और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक क्रीम जैसा फॉर्म में ले आएंगे इसको। और इससे हम करेंगे अपने फेस की मसाज। तो ये जो मसाज वाला स्टेप है ये हमें कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए करना है। और अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। और देखिए दोनों हाथ से आप अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में इससे मसाज कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके अंदर जो बादाम तेल है वो हमारी फाइन लाइंस को भी रिमूव करने में हेल्प करता है और शहद जो है वो बहुत अच्छा टोनर है हमारे स्किन के लिए। और हमेशा की तरह अपनी गर्दन पे भी ज़रूर अप्लाई करें इसको। कोई भी स्टेप हो आप फेस के साथ में गर्दन भी ज़रूर उसको कवर करें। मोस्टली जो हमारी फाइन लाइंस होती हैं हमारी अंडर आई एरिया में, उनको ये ज़रूर रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये मेरा स्टेप हो गया है कंप्लीट। उसके बाद मैं
देखिए मैं फेस वॉश करके आई हूँ तो आप खुद देख सकते हैं रिजल्ट धीरे धीरे। इसके बाद में हम करेंगे अपना फोर्थ स्टेप, पैक बनाएंगे। उसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे आधा चम्मच से ज़्यादा थोड़ा सा बेसन, और इसमें मैं लूँगी बीटरूट पाउडर। अगर आपके पास बीटरूट पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पे हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में मैंने लिया है ये बाज़ार का एलोवेरा जेल, क्योंकि ये पैक है और हमें पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये बाज़ार का एलोवेरा जेल लिया है, और इसके साथ में मैंने इसको मिक्स करने तक के जितना लिया है दही। तो दही जो है वो नेचुरल ब्लीच होता है एक तरीके से, और हमारे फेस को बहुत शाइन करने का में हेल्प करता है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने ये एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, और इसको अब मैं अप्लाई कर लूँगी एज अ फेस, अपने फेस पैक अपने फेस पे। तो इसको देखिए फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे हमें स्प्रेड कर लेना है। तो इसको अच्छे से हम स्प्रेड आउट कर लेंगे, और जो बीटरूट का पाउडर है वो आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा, ऑफलाइन भी आपको पंसारी की शॉप पे मिल सकता है, तो आप वहाँ से ले सकते हो बीटरूट पाउडर में। क्योंकि बीटरूट में एक कलर होता है जो पिंक कलर, तो उससे ना हमारी स्किन का कलर बहुत अच्छा हो जाता है, थोड़ा पिंकिश कलर आ जाता है उसमें, तो इसलिए बीटरूट पाउडर बहुत अच्छा होता है, और इसमें विटामिन सी भी होता है, तो हमारे स्किन को फेयर करने में, स्किन टोन अच्छी करने में हेल्प करता है। और देखिए फेस और नेक पे लगाने के बाद जो मेरा बचा वो मैंने हाथ पे लगा लिया आपने, तो आप इसको हाथ पे, कमर पे, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाद में मैं सूखने के बाद में मैं कर लूँगी फेस वॉश, तो आप देख सकते हैं, और ये कल तक आप देखिएगा कि इसका कितना अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।